हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर एक छोटा सा लूप का सवाल है पाइथन के अंदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स में इनिशियलाइज है 1 और यहाँ लगाया गया व्हाइल लूप और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 20 किया गया है और फिर एक्स के अंदर एक्स इंटू 2 को स्टोर कराया गया है और फिर एक्स को प्रिंट भी करवाया गया है। ऐसे स्थिति में रिजल्ट क्या आना चाहिए इसके बारे में हमें इमेजिन करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि ये जो है लेस देन इक्वल टू 20 है तो 1 से 20 तक ये जाएगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे समझिए यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर ऐसे ही आता चला जाएगा, ठीक है ना, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 20 तक ही जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि ये 20 तक जाएगा लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी दी गई है x इज इक्वल टू एक्स इंटू 2, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि x में रखी हुई वैल्यू बड़ी हो या छोटी हो या बराबर हो 20 के, ठीक है। तो x में अभी कौन सी वैल्यू है, 1 है, ठीक है। तो 1 जब है तो अब देखिए नीचे कहा गया है x इंटू 2, तो देखिए यहां पर x में क्या है, 1 है, तो x में 1 है तो x इज इक्वल टू 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। फिर यहां पर x की वैल्यू 2 हो चुकी है, अब तो 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। फिर यहां पर देखिए x में रखी हुई वैल्यू अब तो 4 हो गई, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा, तो यहां पे 8 होगा, ठीक है। अब क्या होगा, 8 हो गई ना x की वैल्यू, तो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या हो गई, 16 हो गई। ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन देखिएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 20, यानी 16 तक तो हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर 16, x की वैल्यू 16 है, 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो 32 तक तो ठीक है, अगर हम यहां पे जाते हैं, अब 32 इंटू 2 करेंगे तो ज्यादा नहीं हो जाएगा, 32 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 इंटू 2 इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। और यहां पर कहा गया है कि ये जो वैल्यू चली आ रही है, 4 हुई, 8 हुई, 16 हुई, 32 हुई, ठीक है, तो 32 तक तो जाना ही नहीं है, 20 के नीचे ही रहना है। इसीलिए यहां पर रिजल्ट क्या प्रिंट होगा, रिजल्ट प्रिंट होगा पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, ये रिजल्ट 64 नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। इस तरीके से आपको लूप को सॉल्व करना है, ठीक है। मैं चला के भी दिखा देता हूं, यहां पर रिजल्ट आपके सामने है, देख लीजिए 2, 4, 8, 16 और 32। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से धैर्य पूर्वक आराम से इसको सॉल्व करिएगा तो एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान से करिएगा, ओके, थैंक यू।